Hello dear children, so welcome you back to my channel Science with Shikhar Sir. So today I am here with an activity which will help you to understand one very important concept of science very clearly and very easily. So you can see the three glasses mere table pe in front of me, 1, 2, 3. और तीनों में कोई ऐसा मैजिक नहीं है, तीनों में सिंपल वाटर है, प्लेन वाटर है, देर इज नथिंग मिक्स्ड विद इट. बट दीज थ्री वाटर ऑफ ग्लासेस वाटर विल मेक यू टू अंडरस्टैंड वन कंसेप्ट, दैट इज डिफ्यूजन. क्लास 9 के अंदर हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन. इट मे बी टू डिफरेंट स्टेट्स, राइट? So one question is also there in NCERT, that why the smell of hot sizzling food reaches to us sitting several meters away as compared to the cold one, right? So here I am having three glasses. This one normal water, tap water. This is chilled water, cold water, and this is hot water, right? So इंटरमिक्सिंग फास्ट क्यों होती है? क्यों जब खाना किचन के अंदर बनता है तो हमारे तक कहीं भी बैठे हों, घर के अंदर किसी भी रूम में, तो बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस जो उसकी है हमारे पास पहुंच जाती है, राइट? सो उसका आंसर आज आपको मिलेगा कि जो गर्म खाना होता है उसके अंदर कैसे जो पार्टिकल्स हैं वो कितना फास्ट मूव करते हैं. इसको सपोज कर लीजिए, ये नॉर्मल खाना है, राइट? दिस इज बिल्कुल ठंडा हो चुका है, काफ़ी टाइम से पड़ा है, और ये गर्मा गर्म खाना है, राइट? तो हम आज स्टडी करेंगे कि कैसे. तो सबसे पहले मैंने उजाला के ड्रॉप डाले इसमें. सो यू कैन सी द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल दीज थ्री, दैट हाउ दीज आर मिक्सिंग. डियर चिल्ड्रन, यू कैन सी दिस इज हॉट वाटर, right? The particles mixing in hot water. This is cold water, still changed, but not much as compared to hot water. And this is normal. Particles are getting mixed in it, but they are taking time. So we will observe these glasses for few seconds and then we will discuss the observation. You can wash these glasses. जो बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन बन गया है, मैं तो कहूँगा कि इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें इन ग्लासेस को, राइट? तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन, एक मतलब आई कैन सी, एक ही तरफ से ऐसे लग रहा है कि मार्कर से किसी ने इसको स्केच कर रखा है. पॉज करना, पॉज करो. सो नाउ आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, दैट इज आवर ऑब्जर्वेशन. दिस इज द हॉट वाटर, राइट? जिसका जो पूरा कलर है वो चेंज हो गया, राइट? दैट मीन्स जो उजाला ड्रॉप्स डाले थे हमने मिक्स हो गए. दिस इज कोल्ड वाटर, राइट? इट्स टेकिंग टू मच टाइम. एंड दिस इज नॉर्मल वाटर, राइट? सो व्हाट वी कैन से दैट डिफ्यूजन जो प्रोसेस है, या डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है, तो वो फास्ट होती है व्हेन द टेम्परेचर विल बी हाई. This is the highest temperature, right? And this is the lowest temperature, and it is the, we can say, medium temperature, right? Normal water, cold water, and hot water. So this is the best way to understand that how the smell of hot sizzling food reaches to us sitting several meters away, much faster or much in less time as compared to the cold food. Thank you so much for watching the video.